हमारे साथ आज मदन दिलावर जी, इनसे जानते हैं और पूछते हैं किस तरह का मंत्रिमंडल रहने वाला है और क्या सर किस तरह का मंत्रिमंडल रहेगा, क्या रहेगा? मंत्रिमंडल बहुत अच्छा रहेगा और जो माननीय मंत्री बनेंगे वो बहुत अच्छा काम करेंगे। किस तरह का आगे का विकास को गति मिलेगी, क्या रहेगा? पहले से कई गुना विकास की गति होगी। तो ये 100 दिन की कार्य योजना बनाई है, वो किस तरह से आगे चल के रहेगी केंद्र और राज्य सरकार से? अभी मुझे उसकी डिटेल जानकारी नहीं है। ऐसे संदेश आए हैं क्या आपके लिए? अभी तो कोई संदेश आया नहीं मेरे पास, और आपके पास आया हो तो मुझे भी जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। फोन कॉल सर आई हो आपके पास, आपको शपथ ग्रहण करनी है? वो तो सुबह से कम से कम अभी 150 फोन आ गए मेरे पास। पार्टी की तरफ से कोई आई है सर? नहीं, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के आए हैं। पार्टी नेतृत्व की तरफ से भी कॉल आया होगा आपको शपथ लेनी है? नहीं, अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर मंत्री बनने वाले विधायक सीएम साहब खुद फोन कर रहे हैं, आपके पास फोन है? अभी नहीं है, हो सकता है और के पास आया हो, मेरा नीचे नीचे नाम हो। क्या लगता है सर, आप कोटा से आते हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से सरप्राइज एक एलिमेंट रहा है सीएम की नियुक्ति हो या फिर उप मुख्यमंत्री की हो, क्या आपको लगता है कोटा से आपका नाम भी मंत्रिमंडल में आ सकता है? 115 मान्य विधायकों में से किसी का भी नाम हो सकता है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। राम मंदिर में आपके काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे राम मंदिर आंदोलन जो था उसमें काफ़ी आपकी हिस्सेदारी रही है, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर भी बनने जा रहा है तो एक गिफ्ट के तौर पे आपको भी मंत्री बनाया जा सकता है? गिफ्ट के तौर पर तो मैं रघुपद विधायक बनाया जा चुका है और मैं फरवरी 90 से विधायक हूँ। आप काफ़ी मुखर नेता रहे हैं अशोक गहलोत के कार्यकाल में, आप एक बार अपनी आवाज़ भी उठा चुके हैं अलग अलग मुद्दे पर, क्या आपको लगता है कि पार्टी में, आपने कहा 115 में से कोई भी मंत्री बन सकता है, पर आपको लगता है क्या कि अगर आपको मंत्री बनाया जाता है तो पार्टी ज़्यादा सशक्त हो सकती है लोकसभा चुनाव से पहले? मैंने कहा ना, पार्टी तो सशक्त है ही। ज़्यादा सशक्त हो सकती है क्या? बहुत ही सशक्त है, और जब माननीय मोदी जी इसका नेतृत्व तो कर रहे हैं उसमें सशक्त की कोई गुंजाइश और नहीं है कि भाई कम कहीं कमज़ोर हो। और 400 सीटें लोकसभा की जीत करके माने नरेंद्र जी मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे।